अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ हमारा क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पर ओवरलोडिंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या प्रिकॉशन करने चाहिए? सो आंसर, द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पर ओवरलोडिंग को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ फॉलोइंग प्रिकॉशन दिए गए हैं जिन्हें हमें यूज करना चाहिए। फर्स्ट, द सर्किट मस्ट बी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सेक्शंस एंड अ सेफ्टी फ्यूज मस्ट बी यूज्ड इन ईच सेक्शन। जो सर्किट है वो डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड होना चाहिए और हर एक सेक्शन में सेफ्टी फ्यूजेस यूज होने चाहिए। सेकेंड प्रिकॉशन है, जो हाई पावर अप्लायंसेस हैं जैसे कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वाटर हीटर इटीसी, यानी कि इसी तरह से और भी जो हाई पावर के अप्लायंसेस हैं वो एक साथ यूज नहीं होने चाहिए। थर्ड है, द वायर्स यूज्ड इन द सर्किट मस्ट बी कोटेड विद गुड इंसुलेटिंग मटेरियल्स लाइक पीवीसी। जो वायर इस इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज हो वो कोटेड होनी चाहिए, यानी कि कवर होना चाहिए एक अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल से, जैसे कि पीवीसी हो गया। इंसुलेटिंग मटेरियल मीन्स ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स। सो दिस इज़ द आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ। थैंक यू।